अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ कंट विधानसभा क्षेत्र से एक जागरूक महिला के रूप में मनीषा अहलावत ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। भाईचारा जिंदाबाद के नारे लिखी हरी टोपी पहने मनीषा अहलावत ने कहा कि देश व प्रदेश इन दिनों नफरत की राजनीति से जूझते हुए आगे जा चुका है। अब यहाँ भाईचारा एक बार फिर से स्थापित करना होगा। सपा रालोद गठबंधन की प्रत्याशी मनीषा ने कहा कि राजनीति केवल नेताओं का नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक होने का प्राय है। आइए देखिए क्या कहा मनीषा अहलावत ने फर्स्ट बाइट टीवी से। देखिए, मैं चुनाव जरूर पहली बार लड़ रही हूँ, पर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक नागरिक के तौर पे मैं हमेशा राजनीतिक रही हूँ। तो राजनीति सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, राजनीति जनता से शुरू होती है, एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीज़न से शुरू होती है। तो मैं हमेशा एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीज़न रही हूँ, बस ये है आज चुनाव भी लड़ रही हूँ और वो भी जनता के लिए। भाईचारा जिंदाबाद की टोपी जो लगाए हुए हैं, भाईचारा जिंदाबाद को लेकर क्या कहेंगे? अगर भाईचारा नहीं होगा तो हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारा नारा होता था, आज भूल गए हैं सब लोग। तो हम उसी को वापस जिंदा करना चाहते हैं। ये नफरत की राजनीति से आज लोग सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी हमें इकट्ठे होके चलना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।